हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। कैसे हो आप सब? कमेंट में लिखिएगा कि आप सब कैसे हैं और कहां कहां से जो है ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, या फिर कौन से स्टेट से, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आपके लिए एक और लेटेस्ट जॉब यहां पर लेके आ चुके हैं और आपके लिए इसी चैनल पर एक और वीडियो यहां पर आ जाएगी कि आज की डेट में जो है कौन कौन से फॉर्म जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कौन कौन से फॉर्म जो है आज की डेट में यहां पर लग रहे हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। बिल्कुल भी आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए ताकि आपको छोटी सी छोटी अपडेट जो है जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेई की, जैसे कि आपने थंबनेल देख के यहाँ पर पता लगा लिया होगा कि जेई की पोस्टें यहाँ पर आउट की गई हैं, तो फॉर्म जो हैं यहाँ पर 26 तारीख से ऑनलाइन हो चुके हैं और 16 को लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, साइट डाउन रहती है, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आप फॉर्म जो है अप्लाई कर लीजिएगा। पोस्टें क्या रहने वाली है, कितनी टोटल पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन एलिजिबल है और कितनी एज है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी तो इससे आपको जो है हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8082874110 पर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें अपना जो है कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी जॉब्स अपडेट। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको जूनियर इंजीनियरिंग में जो है यानी कि जेई में फॉर्म आउट किए गए हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं 16 को जो है लास्ट डेट रहने वाली है। फिर बाय मिस्टेक फॉर्म हो जाता है कहीं गलती तो 17 से 18 तक आपको करेक्शन का टाइम दिया जाता है और आपका पेपर वन जो है वो आपका अक्टूबर में पेपर होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे हमें व्हाट्सएप पर पूछते हैं, मैम इसका एग्ज़ाम क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना है, ठीक है, वीडियो पूरा देखना है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आपके फॉर्म लग रहे हैं जुलाई में, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम होंगे, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। भाई साहब यहां पर देखिए कि आपके लिए जो यहां पर बीआरओ, ठीक है, बीआरओ जेई के लिए जो है सिविल के लिए यहां पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 2 साल का आपको पास जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट देख सकते हैं 30 साल तक आप इस फॉर्म को लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की, या फिर 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है कोई भी ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो वो आप लगा सकते हैं, इसमें भी सेम आपको एज दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आपको काम दिया जाता है जेई सिविल में और जेई इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा चाहिए आपको इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है, या फिर मैकेनिकल का। 32 साल यहाँ पर आपको एज दी गई है। भाई एज भी यहाँ पर ठीक ठाक दी गई है क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। वैसे तो अब देखिए सेंट्रल वॉशर कमीशन में है मैकेनिकल और सिविल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और अप टू 30 आपको जहाँ पर एज दी गई है अप टू 30 डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स में है, फिर फराका बैरेज प्रोजेक्ट में है जेई सिविल मैकेनिकल की, मिलिट्री इंजीनियरिंग मेस यानी कि मेस की भी यहाँ पर आपको दी गई है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जेई सिविल में, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। फिर आपके पास यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में भी यहाँ पर दी गई है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर दी गई है, एज यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि मेल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एब्रीवेशन दी गई है कि जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर सिविल और जेईएम का होता है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बीआरओ में जेई की, एससी में एसटी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट बीआरओ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जेई में कितनी है, ठीक है, ये जी सिर्फ बीआरओ के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाकी आप कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पोस्टों में, ठीक है, जेई सिविल में। फिर अगर आगे बात की जाए तो रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट PWBD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिसेबिलिटी है वो भी अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि एज लिमिट देखिए लीजिएगा, यहाँ पे 30 या 32 आपको यहाँ पर एज होनी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितनी एज यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है आपको दी गई है एज रिलैक्सेशन, जिसकी कैटेगरी SC ST है उसको 5 साल की और रिजर्वेशन दी जाती है, जबकि उनकी एज जो है 30 तक रखी है फिर भी 5 साल यानी कि 35 साल तक आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं, ठीक है, 35 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि आपको जो है इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है। इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो यहाँ पर इन्होंने कही है 100 रुपीज़, मे बी 100 रुपीज़ जो है इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस है,
एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये देख लीजिएगा कि 100 रुपीज़ आपको फ़ी रहने वाली है, ठीक है, ओनली 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पर है एग्ज़ाम का, ठीक है। सो ये वीडियो है, यहाँ पर ये PDF है और पेपर 1 और 2 का सिलेबस आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका कंप्यूटर पर, और ये आपको जो है सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। अगर आप ये सिलेबस भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पेपर 1 के लिए आपको ये सिलेबस आएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है ये टोटल, और पेपर 2 का सिलेबस भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका पेपर 2 का सिलेबस रहेगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आगे जो है अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा या फिर हमें कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको जो है ये PDF मिलेगी, आप हमें जो है कमेंट कीजिएगा कि मैम हमें PDF चाहिए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं स्टूडेंट्स कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।